बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना अमीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं केएफसी राइस विद चिकन हॉट शॉट। तो इसके लिए यहाँ पे हमने चिकन लिया है हाफ केजी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे हमने गार्लिक पाउडर लिया हुआ है 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर लिया हमने 1/4 टीस्पून, नमक लिया यहाँ पे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया हुआ है चिकन पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। नमक इसीलिए हमने कम डाला है क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। इसके अलावा यहाँ पे हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब। और ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम रख देंगे। अब यहाँ पर हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने 5 कप पानी बॉईल पे रख दिया, पानी में बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 3 लौंग ऐड करेंगे, 2 हरी इलायची, हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3 कटी हुई। इसके अलावा शिमला मिर्च डालेंगे इसमें छोटी साइज़ की कटी हुई। एक हमने यहाँ किन्नौर यखनी क्यूब लिया हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा नमक डालेंगे इसमें, यखनी में क्यूब में नमक होता है तो इसलिए यहाँ पे हम नमक कम ऐड करेंगे, यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून। सिरका डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब। ढाई कप हमने चावल लेके उन्हें सोख करके रख दिया था, अब ये इसमें ऐड कर देंगे। ढाई कप चावल थे हमारे तो 5 कप उसी हिसाब से उसी कप से हमने मेजरिंग कर पानी इसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम इस वक्त हाई है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये राइस बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने नमक टेस्ट किया तो नमक कम है तो इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसमें बॉयल लाएंगे ताकि चावल का पानी कम हो जाए। यहाँ पे ये देखें, चावलों का पानी कम हो गया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा बचा है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। थोड़े से पानी में हमने येलो फूड कलर मिला के रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पे हम चिकन की कोटिंग करने के लिए रेडी करते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पर हमने लिया 4 टेबल स्पून हमने लिया हुआ है मैदा और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे तमाम पीसेस लेके। चाहे तो हाथ से कर लें, ज़्यादा अच्छी होगी, बिल्कुल दबा दबा के। ये देखें, और बस डायरेक्ट इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से सबको रेडी करना है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें कोट की हुई चिकन डालेंगे। तमाम चिकन के पीसेस इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसे एक तरफ से अच्छा सा कलर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है ताकि चिकन जो है अच्छे से अंदर तक गल जाए। और यहाँ पर राइस को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइस यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप। बस अब हम इसको, इसका फ्लेम जो है इसको ऑफ कर देते हैं, ये रेडी है एकदम। तकरीबन 3 मिनट हो गए इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। ये देखिए, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे चिकन अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो गई है, बस अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह राइस निकाली, इनको इस तरह सर्व करना है। एक मैंने बाउल में निकाले और एक इस तरह। अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन फ्राई करके रखी यहाँ ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ये देखें, और अब हम ऊपर से इसके डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार, सेम वैसे ही ये बिल्कुल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है राइस में से। अल्लाह हाफिज़, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।